क्रिकेट एक बहुत चर्चित खेल है, खासकर एशिया महाद्वीप में तो इस खेल को लेकर दीवानगी कुछ ज़्यादा ही है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी बल्लेबाजी से मैच जिताते हैं तो कुछ अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ खिलाड़ी हर पनमोला होते हैं जो क्रिकेट के हर पहलू में माहिर होते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ऑलराउंडर भी कहा जाता है। इन्हीं हर पनमोला खिलाड़ियों में से एक नाम आता है पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर जेकब ओरम का, जो अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन मध्यम तेज गति के गेंदबाज और कमाल के फील्डर भी थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। जेकब ओरम का जन्म 28 जुलाई 1978 को मैनावाटू न्यूजीलैंड में हुआ। जेकब ओरम का पूरा नाम जेकब डेविड फिलिप ओरम है। ओरम ने पॉमस्टन नॉर्थ इंटरमीडिएट नॉर्मल स्कूल और बाद में पॉमस्टन नॉर्थ बॉयज हाई स्कूल से पढ़ाई की। जेकब ओरम न्यूजीलैंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिन्होंने 10 साल तक क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में न्यूजीलैंड की ओर से खेला। ओरम बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। बल्ले और गेंद दोनों के साथ उनकी मैच जिताने की क्षमता ने उन्हें न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टीम का नियमित सदस्य बना दिया। आमतौर पर ओरम निचले क्रम में बल्लेबाजी करते थे। ओरम की गेंदबाजी सीमित ओवरों की क्रिकेट में ज़्यादा सफल रही थी और वो ICC गेंदबाजों की रैंकिंग में 5वें पायदान पर पहुंचने में सफल रहे थे, जो उनकी अधिकतम रैंकिंग रही। उनकी हाइट 6 फीट 6 इंच है। ओरम अपने स्कूली दिनों में स्कूल की ओर से फुटबॉल में गोलकीपर के रूप में खेलते थे। ओरम ने मैनावाटू क्रिकेट टीम की ओर से हॉक कप में भाग लिया। ओरम का नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज है, जो उनको 2008 में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शतक लगाने पर मिला। और बहुत बार जेकब ओरम ICC वर्ल्ड वनडे ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर रहे। ओरम उन क्रिकेटरों में से है जिन्होंने 1000 रन बनाए और 100 विकेट भी लिए। 2003-04 के सीजन में ओरम पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए और 97 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अगली सीरीज में ओरम ने अपना पहला शतक लगा दिया। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 119 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अगले टेस्ट में भी उन्होंने 90 रन बनाए। ओरम ने अपना दूसरा टेस्ट शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में लगाया, जो शेन वॉन और ग्लेन मेगरा जैसे गेंदबाजों के खिलाफ था। वो 126 रन बनाकर नाबाद रहे। ओरम ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक फिर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया, जो उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर रहा 133 रन। 28 जनवरी 2007 को पर्थ वनडे में ओरम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 72 गेंदों में 101 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन न्यूजीलैंड के अन्य बल्लेबाजों से साथ न मिलने के कारण टीम को जीत नहीं दिला सके। उस वक्त ओरम का यह शतक किसी भी न्यूजीलैंड खिलाड़ी का सबसे तेज शतक था और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी खिलाड़ी का सबसे तेज शतक था। ब्रेंडन मैकुलम के साथ उनकी 137 रन की साझेदारी उस समय न्यूजीलैंड के लिए 6वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही, हालांकि अगले महीने यह रिकॉर्ड टूट गया। ओरम बहुत बार चोट के कारण बड़े टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सके। ओरम अपने टखने की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका में 2009 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं खेल सके। 3 मार्च 2010 को ओरम ने फिर से चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल सके। इस तरह से चोट के कारण ओरम एक और सीरीज से बाहर हो गए। 9 नवंबर 2009 को ओरम ने अबू धाबी में कूल एंड कूल कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन देकर 3 विकेट लिए। 2 सितंबर 2009 को ओरम ने कोलंबो में एक T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक ली, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज, मलिंगा बंदारा और नुआन कलासेकरा को आउट किया। 5 फरवरी 2010 को नेपियर में बांग्लादेश के खिलाफ 14 महीने बाद ओरम ने अपना 12वां एक दिवसीय अर्धशतक बनाया। उन्होंने मैच 40 गेंदों पर 83 रन बनाए और 8 चौके और 5 छक्के लगाए। ओरम ने 2010 के ICC विश्व कप T20 में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से वापसी की। 2011 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के दौरान जेकब ओरम ने जेक कालिस का मिड विकेट बाउंड्री पर संभावित सिक्स को 2011 विश्व कप के सबसे बेहतरीन कैच में बदल दिया। इस कैच को देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने इस मैच में 39 रन देकर 4 विकेट लेकर मैच की फेवरेट मानी जा रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जेकब ओरम IPL में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल चुके हैं। 13 अक्टूबर 2009 को ओरम ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन क्रिकेट के छोटे प्रारूपों में खेलते रहे। अगर जेकब ओरम की निजी जिंदगी की बात करें तो मार्च 2008 में ओरम ने मेरी टेट जेमिसन से शादी की और ऑकलैंड से लौटने के बाद ओरम अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन पॉमस्टन नॉर्थ में रहते हैं। ओरम के भाई डेनियल ऑकलैंड ग्रामर स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक है। तो दोस्तों, जेकब ओरम से जुड़ी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।